भाई हमारे को ऐसा लगा हमारे फ्लाइट क्रैश होने वाली है। एक्चुअल करो जिंदगी में पहली बार इतना डर मेरे को लगा है कि मैंने सीधा बोल दिया था भगवान जी जो गलतियां करी हैं मेरे को माफ़ कर दो, मेरा तो हो गया इस धरती पर सब कुछ। मतलब वो बंदा फ्लाइट लैंड कराने की कोशिश कर रहा था, जो पायलट है उससे फ्लाइट ही नहीं लैंड हो रही थी। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, बिकॉज अब वक्त है नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारी वहां जाने का, जो कि है घर अंथालिया जो है वो एक बीच साइड जगह है, तो वहां पे इतना स्नोफॉल नहीं मिलेगा। बता तो दे तू जा नहीं रहा, नहीं जा रहा? मैं घर जा रहा हूं। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। सो बेसिकली आई हैव सम वर्क कमिटमेंट जिसकी वजह से आई हैव टू गो बैक, तो नेक्स्ट 3 दिन जो है ये लोग अंथालिया में एंजॉय करेंगे। मैं घर जाऊंगा, लेकिन मैं भी घर वाला व्लॉग करता रहूंगा, घर वाला व्लॉग मतलब मेरा पर्सपेक्टिव भी आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। बाकी फिलहाल मैं काफ़ी दर्द में हूँ, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट के लिए होटल से निकल रहे थे तो निश्चय भाई बर्फ में हीरो बन रहे थे फने का, कोई फने का नहीं बन रहा था, अपनी माता को संभाल रहा था, उनको संभालने के चक्कर में मैं गिरा। एक बार खड़ा हुआ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होते ही ठों दो बार, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी को संभाल रहा मैं, और दो बार मैं गिरा पड़ूं, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है यार। फिर दर्द में खड़ा हुआ मैं, एक कदम रखा पड़ूं, 3 बार गिर के आया हूँ, मेरा राइट वाला हिप एकदम चपटा हो चुका है। हंसते चाह रहा था, मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, बस उन्होंने तकलीफा छुपाना होता है। मेरा दोनों हजरे दोनों ही गिरे पड़े, सुबह ये भी गिरी है और पर ये एक बार गिरी थी, लेकिन मैं 3 बार रिकॉर्ड बनाया भाई बैक टू बैक टुंग टुंग टुंग। और मैं उसके बाद इसने बोला मम्मी एक बार गिरे मैं आपको उसके दिखाता हूं, उसके बाद कह रहा है मैंने कहा मैं अब ऐसे मैं हंस भी नहीं सकता वहां पर गिरा पड़ा है भाई। उसके बाद मम्मी कह रही हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, कह रहा है अरे मम्मी बस करो यार आपकी वजह से और दर्द हो रहा है। अरे सच में एक बंदा वैसे 3 बार गिर के दर्द में है, ऊपर से मम्मी साइड में खड़ी हाय मेरा बेटा कर रही है, लाइक मम्मी यार ये मत करो अब इसकी वजह से और दर्द होगी। मैं बस ऐसे मुंह नीचे करके ऐसा रोंदू सी चक्कर बना के टिंग 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 करते करते पहुंच गया पापा के, पापा के कह रहे हैं तेरे को बोल रहा था साइड से लो, मैंने कहा पापा अब आप तो कुछ मत बोलो। मैं सीरियसली बोला पापा आप तो कुछ मत बोलो, आप गाड़ी में बैठो, बस हो गया मेरा यार मेरे को। फिर पापा की कहानी आती है तू क्या ही गिरा, गिरा तो मैं था अपने जमाने में, मैंने बोला मैं से गिरा हूँ, पापा कह रहे अरे नहीं नहीं कोई नहीं मैं भी गिरा था एक बार। मैंने कहा यार या मेरे दर्द हो रही है उसको अप्रिशिएट करो, नहीं मैं भी गिरा था मेरे भी लगी थी एक बार, अप्रिशिएट कर दे तू क्या गिरा भाई तू क्या गिरा ऐसा गिरा। तो अभी हम फ्लाइट पे और फिर स्नोफॉल शुरू हो गई, फ्लाइट पे बैठने लगे और अरे कर दो प्लेन ले लो, स्नोफॉल में हमने फोटोज भी क्लिक कराई, इतनी फोटोज करवा ली और स्नोफॉल में करवाई नहीं, स्नोफॉल में नहीं करवाई, स्नोफॉल में वीडियो बना ली, कोई नहीं चलेगा भाई पीछे वहाँ पे पहाड़ वहाड़ देखो रात से भागो। एक बार बाय कर दे भाई उसको, बाय 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 बाय, चल ओके नोनू बाय, ध्यान रखना अपना ओके। निश्चय चला गया और हमारी फ्लाइट अभी रिशेड्यूल हुई है, अभी 3 घंटे हैं तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और मल्लम साहब ने कहा कि चलो नेकी और पूछ कॉफ़ी मंगवा ली इन्होंने, मल्लम साहब सही मजे ले क्या करें अब यहाँ हमें फाइनली वेज पिज्जा मिल गया। कितने दिनों बाद अब वो पिज्जा खाया, कैसा लग रहा है? एक तो मैं इंडिया में डाइट पे था तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाता, यहाँ पर सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा और एक दिन से पिज्जा मिल गया तो ऐसा लग रहा है भगवान मिल गए। ये जो कभी पिज्जा नहीं खाते तो गाइस दिस इज़ ना वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अभी निश्चय जा रहा था तो हम उसको विदाई उसकी विदाई करने में ज़्यादा बिजी थे, बट एक्चुअल में अभी हम जब आए हैं ना भाई मतलब बस बचे ही है ज़िंदगी में। देखो एक तो अर्थक्वेक यहाँ पर आ चुका है, बहुत ही बुरा हाल हो चुका है मतलब आधी जगहों का टर्की में, ठीक है हमारे को ये नहीं पता हम जहाँ जाते ऐसे ही क्यों होता है वहाँ पर। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ भाई, हमारे को ऐसा लगा हमारे फ्लाइट क्रैश होने वाली है। एक्चुअल करो ज़िंदगी में पहली बार इतना डर मेरे को लगा है कि मैंने सीधा बोल देता भगवान जी जो गलतियां करी हैं मेरे को माफ़ कर दो,
मेरा तो हो गया इस धरती पर सब कुछ, मतलब वो बंदा फ्लाइट लैंड कराने की कोशिश कर रहा था जो पायलट है, उससे फ्लाइट ही नहीं लैंड हो रही थी। वेदर खराब था ना, तो वेदर इतना खराब था, और जैसी फ्लाइट लैंड हुई है ना, तुम मारो मतलब सब हर इंसान ने ताली मारी है, क्लैपिंग करी है कि भाई थैंक यू तूने हमारी जान बचा ली। नहीं तो भाई मैंने तो भगवान के सब, मैंने मम्मी मैंने तो बोल दिया था कृष्ण जी जय माता दी, मैंने भी यही बोला था कि कान्हा जी माफ करना, मैंने तो बोल दिया था जय श्री कृष्ण, जो गलती हुई है मुझे माफ करना भगवान, अब आ रहा हूँ मैं तुम्हारी शरण में, भगवान के सब, भगवान के सब, भगवान का आशीर्वाद, तुम लोगों का प्यार बच गए। अब आई होप ये ब्लॉग भी डल जाए। चलो अब हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है अंटालिया की, कनेक्टिंग थी बट वो भी डिले हो गई थी, बहुत परेशान हुए आज तो भाई, मजाक तो गाइस फाइनली हम आ गए अंतालिया। भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, 2 घंटे लगने थे हमारे को कैपेडोकिया से अंतालिया आने में, और हमारे को 14 घंटे लगे। और मैं बता रहा हूँ जो मेरी जान पे बातें हैं ना, बट आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुश इसलिए हूँ बिकॉज एक्चुअली आई फील आई एम अलाइव एंड दैट इज़ वॉट इट इज़। इतना ही बहुत है, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 14 के 24 घंटे भी लगे मैं जिंदा हूँ काफ़ी है भाई। ये वाला भी जब हम वापसी आते हैं इस्तानबुल से, हमने भी फ्लाइट लिया है क्योंकि कैपेडोकिया से हम इस्तानबुल रुके, इस्तानबुल पे हमारा हॉल्ट था, उसके बाद जब हमने एकदम से ना फ्लाइट उड़ती पटाखे की वजह बूम, ओ भाई वो जेन्युइन ऐसा लगा कि लगा प्लेन में कोई दिक्कत आ गई। मैं कहा भाई इंडियन पायलट्स आर द बेस्ट पायलट्स, भाई अंग्रेजों की फ्लाइट में नहीं बैठूंगा मैं आज के बाद, निश्चय किया हमारे को याद तो आएगी, पर क्या कर सकते हैं, उसकी गलती है हमारी कोई गलती है, काम मैनेज करके आना चाहिए है ना मम्मी। और कहते हैं अंतालिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बीचेस एंड ऑल के लिए, तो लेट्स गो सुबह चलेंगे, अभी पहले एक बार अपना होटल में तो चेक इन करें। तो ये हम आ गए गाड़ी में, और गाड़ी बिल्कुल ऐसे है ना देसी 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 ना करा कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही है, मतलब कसम से ऐसा लग रहा है कोई चांदनी बार टाइप वाइब है, पूरी ब्लू ब्लू लाइटें कर रखी है। Next morning. So guys, good morning. आज हम बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, जब गाड़ी में बैठे ना तो एक ही कमी लग रही थी, 3 बंदे आए हम, और मैंने सोचा कि एक बंदा हमारा कम है, कौन, नोनू वो चला गया, हमें तो पता है वो चला गया हमें छोड़ के दिल्ली, एक दिक्कत हो गई। आज मैंने न्यूटेला के साथ वॉफल खाए, सारा न्यूटेला है तो गिराता ही है, ये कौन सी नई बात है, जब कुछ खाएगा तो हमेशा कपड़ों पे लगा होता है। चाय नहीं हो, पीनी पीनी मो, हेलो विच वन, डाइट डाइट आ माशाल्लाह, हे अल्लाह बोलो माशाल्लाह, देखा ब्रो, ओ हो विच वन, वी कम बैक एंड देख, ओके इंडिया पाकिस्तान, जैसे मेरे को उड़ा के ले जाएगी, मजाक सड़क में मोबाइल भी उड़ेगा मैं भी उड़ूंगा, और मैं कह रहा हूँ ये व्यू देखो, सारी फीमेल्स को घर छोड़ के, ठीक है, मेरा मम्मी हो बीवी हो सारी लड़कियां जो भी होते हैं फीमेल जाति को ना घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स को कहीं भी ले जाओ शॉपिंग लो, उनकी अलग ट्रिप होनी चाहिए, सारी लड़कियां अलग ट्रिप पे जाए, लड़कियां अलग जाए, क्योंकि लड़के भाई हम लोग हम घूमते फिरते मस्ती करने वाले, ठीक है, अपने को शॉपिंग का मतलब नहीं है, ये फीमेल तो भाई कहीं जाए शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, खाने में भी शॉपिंग चाहिए, हर जगह मैं थक गया हूँ शॉपिंग, क्या करें मम्मी, आई एम डन विद योर शॉपिंग, शॉपिंग दिस इज नॉट शॉपिंग, ये भी शॉपिंग ही है, दिस इज अबाउट ईटिंग, आई एम ओके विद ईटिंग बट आई एम नॉट ओके विद शॉपिंग। भाई ये देखो मेरे को नारियल पानी लेके दिया, ये नारियल पानी, नारियल है मतलब क्या है, ये नारियल है, हमारे भाई इतने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े नारियल मिलते हैं पीने के लिए, मम्मी क्या है यार, डिफरेंट है, काम चला हुआ चल जाएगा, संदूक कैसे है, खा ले भाई,
तो गाइस यहां पर मम्मी आ गई है. हाउ डज शी लुक? प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा. ओ हेलो प्रियंका चोपड़ा. माय गॉड. माय नेम इज कुर. माय नेम इज प्रियंका. अब तो मम्मी कह रहे हैं 5 6 आइसक्रीम ले लेंगी भाई. आई एम माइकल जैक्सन. माइकल जैक्सन. माइकल जैक्सन. यस आई एम ब्रैड पिट. ब्रैड पिट. रहने भाई ये ज्यादा हो गया भाई. She will buy 5-6 ice cream. Yeah. Which one? अरे एक ही खानी है भाई. मिक्स मिक्स. हेलो. फिर से वही. ले लो. अरे ले लो. Hello. Adi, aha. Ha mashallah. Hey. No. Cheating. Mummy ki hui Turkish ice cream seller se ladai. Mummy ki hui Turkish ice cream seller se ladai. Ye banegi video. Thank you. Finally mili gayi ice cream. Hey. Wow. Le. Ha mashallah. Hey. Yes, my friend. Thank you. How much you love? अभी भी नहीं मिला. दादा जो रहो वाले बाद में मतलब ये आज हम ब्रैड पिट. ब्रैड पिट. हाँ. 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 Yes, very nice ice cream. My friend. Thank you. वाटरफॉल देखने के बाद हम आए हैं यहाँ पे सिल्वर फैक्ट्री. ये देखो पूरी चांदी यहाँ पे चांदी बनती है भाई. चांदी के तारों से रिश्ता बुनेंगे हम. ये ले लेते हैं अबू. चांदी की एक तो पैनी बनती है. इस वाटरफॉल में देख रेनबो निकल रहा है. अभी तो आप नाराज थे. वो तो मेरा काम है नाराज होना. उसमें क्या है. मेरे बिना चार सीढ़ी नहीं उतर सकती है. तो मेरे बिना जाएगी दिल्ली. तू मेरे बिना तू तैयार भी नहीं हो सकता. कपड़े को निकल ले. तो अब हम आ गए हैं वॉटरफॉल देखने. और ये वॉटरफॉल देखो इसमें ना रेनबो दिख गया. करेंगे सो गाइज एक्चुअल मैं तुम्हारे को बताता हूँ. मतलब अब ना हमने इसको कन्फ्रंट नहीं करा बट इतना तगड़ा अर्थक्वेक आया ना और हम ना हिल गए थे बहुत ज़्यादा. मतलब कि जब हमारे को पता चला टर्की में अर्थक्वेक आया और मतलब जब हम सो रहे थे तब भी हमारे को फील हुआ था. तो अर्थक्वेक इतना भयंकर था. इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि तुम टर्की क्यों गए घूमने. भाई हमारे को नहीं पता था अर्थक्वेक आने वाला है एक्चुअल में. और जब हम यहाँ पर पहुँचे हम 1 फरवरी को आए थे. 1 फरवरी को एक आया है मतलब एक दिन पहले 6th या 7th को. तो हमारा ट्रिप तो 12 दिन का था. पहले तो हमने सोचा कि हम चले जाए क्योंकि ना एक्चुअल भगदड़ मच चुकी थी और लोग ऐसे थे कि क्या करें. मतलब सुनामी की भी वार्निंग्स हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें हैं. बट फिर हमारे को पता चला कि जिस एरिया में हम हैं ना वो एक्चुअली कंपेरेटिवली सेफ़ है. तो फिर हमने सोचा कि चल यार निश्चय को तो जाना पड़ा काम के अच्छे. हमने कहा हम आए हैं तो 3-4 दिन और ट्रिप पूरा करके जाते हैं यार. आई होप वी प्रे सारी चीज़ें ठीक हो जाए. जितने लोगों का नुकसान हुआ है इंडिया ने भी बोला हम हेल्प करेंगे. भगवान सबका भला करे. मम्मी जो है हमारी ये तो बिल्कुल डर गई थी. इन्होंने बोला ट्रिप कैंसिल करो घर चलते हैं. और पापा ने बोला फिर कि नहीं भाई पूरा ट्रिप कर ही लेते हैं अब जब आए हैं. अब रोज तो आया नहीं जाता. होटल से निकले 2 वाटरफॉल देखे एक सिल्वर म्यूजियम देखा. सिल्वर मम्मी को तो सिर्फ सिल्वर म्यूजियम से मतलब है ना क्योंकि जहाँ जाती है शॉपिंग करने. लेके उसके बाद आप लोगों को पता होगा मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले बोलता मम्मी नाराज हो गए थे. क्यों नाराज हुई? क्योंकि कुछ लेके नहीं दिया इन्होंने. मेरे को कुछ लेके नहीं देते. और अब यहाँ पे आराम से भाई मैं जब वाटरफॉल के पास भी जाता तब मैंने कहा था लेडीज को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए. उनकी ट्रिप अलग होनी चाहिए. लड़कियां अलग ट्रिप पे जाए. मतलब घर से बाहर निकलो आराम से घूमो बट लड़कियों के साथ ही घूमो. भाई पति बेटे इन सबको के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि लड़कियों का एंजॉयमेंट सिर्फ शॉपिंग है. उनको सिर्फ शॉपिंग चाहिए. किसी चीज से मतलब नहीं है. कुछ मतलब नहीं है. 8 दिन से टर्की घूम रहे वो शॉपिंग नहीं करवाई ना उसकी वजह से मेरे को लेके क्यों आते हैं. कोई बात नहीं बेटा. इस वाले ट्रिप के बाद मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप जाऊंगी. अब हम यहाँ पे बैठे हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने. ये तो हमारा रोज का ही है चलता ही रहता है.
मैं जेन्युइन मम्मी खुश नहीं होता इंसान. लड़कियां लेडीज सिर्फ शॉपिंग से खुश है. लेडीज सिर्फ शॉपिंग से खुश है. मतलब स्नोफॉल इंडिया में नहीं मिलती क्या वो वाटरफॉल जो अंतालिया देखने आए हो? तो अंतालिया देखने आए हैं ना कि वाटरफॉल. या वो हमें क्या पता था कि यहाँ वाटरफॉल भी है. बस ये है कि हम घूमने आए. बट एक्चुअल तुम्हारे को बताता हूँ, अभी हमारे गाइड ने हमारे को बताया तो एक रोमेनियन किंग था. टर्किश किंग था, रोमेनियन किंग था, मतलब कोई किंग था आज से बहुत साल पहले. तो उसने ना अपने लाइक सेवकों को बोला, गार्ड्स वार्ड्स को, कि जाओ हेवन ढूंढ के आओ अर्थ पे. मतलब हेवन कहाँ है दुनिया में? तो उनके गार्ड्स वार्ड्स घूमे फिरे और उन्होंने फिर ये वाली लोकेशन ढूंढी अंतालिया की और उन्होंने किंग को दिखाया. तो वो किंग के नाम पे अदालिया कुछ ऐसे करके पड़ा एंड दैट्स हाउ अंतालिया वॉज फाउंड. मतलब अंतालिया इतना सुंदर है. और अभी जैसे ठंड है तो बहुत कम लोग हैं, बट गर्मियों में यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अंतालिया. एंड जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई उसके बाद रशियंस बहुत सारे इधर लाइक शिफ्ट भी हुए एंड दे से कि अंतालिया इज़ वन ऑफ द प्रीटीएस्ट प्रीटीएस्ट प्लेस. तो एक्चुअली मतलब देखने में तो अच्छी लग रही है. फिर से हम खाने पहुंच गए. अरे पूरे 8 दिन से क्या कर रहे हैं भाई? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. बहुत खा रहे हैं पर हम कुछ नहीं खा रहे क्योंकि मिलता है यहाँ पर सिर्फ सैलेड ही है. 4 वॉफल दोपहर में सब्जियाँ और रात में दाल तड़का रोटी. इन्होंने ऑर्डर करी है फिल्टर कॉफी. गाना पता कौन सा चल रहा है एकदम? एंड्रू टेट वाला. और ये देखो कॉफी है, क्या है मैं प्रेस करूंगा ऐसे डालते पीनी कैसे है ये बता दे उनको. यहाँ पे हमें ना फाइनली कुछ वेजिटेरियन मिला है खाने को. मैं तो टूट गया भाई साहब. यहाँ पर भी आया हूँ. ये देखो शॉपिंग करने. मतलब इतनी दूर इंसान आया है टर्की किस लिए? ये करने. तो ये मैं सरोजनी से दिलवा देता दिल्ली में. इससे चीप रेट में अच्छी क्वालिटी. बोलो. मैं ये तो बोल सकती हूँ ना, मैंने टर्की से लिया. किसको पता चल रहा है? सरोजनी में भी बता दूंगा टर्की से लिया. इन पे कहीं लिखा टर्की है? वापस नहीं आ रहा. मैं लगा के घूमूंगी दिस इज फ्रॉम टर्की. पापा क्या करे फिर? हिलना तो पड़ेगा ही बेटा. चलो ठीक है फिर. वो खुद अपनी टी शर्ट देख रहे हैं, तुम मुझे कह रहे हो. तो हम लोग यहाँ ना एक्सप्लोर कर रहे थे. यहाँ पे आपको दिखाऊं लकड़ी के क्या ही. और ये मलन साहब यहाँ खेंच खड़े हो जाते हैं हर जगह ऐसे. आए कोई नहीं, इनको फोटो खिंचाने दो. इनकी फोटो खिंचाने दो मेरी फोटो. तो अब हम आ गए हैं, जैसे एक सिडनी हार्बर होता है वैसे ये अंतालिया का हार्बर है. और यहाँ बहुत प्यारी प्यारी शिप्स है बट हम शिप पे जा नहीं रहे क्योंकि मम्मी पापा के साथ आए हो ना. मम्मी पापा शिप पे नहीं लेके जाते, मैं अकेला जाता हूँ शिप पे. हे मजाक कर रहा हूँ भाई. मुझे डर तुम्हारा ही है पानी से. वैसे तुम्हारा 36 का आंकड़ा. मैं पानी से तो बहुत दूर हूँ, बीच में हूँ पानी. चलते जाएंगे उस रस्तों पे. बस वो फूल बेच रहा है. जिंदगी है भाई. यस गिव इट टू हर फ्रॉम माय साइड. मम्मी को दे दो एक. और भाई यहाँ का जो व्यू है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. आप आराम से आओ भाई. मेरी मम्मी के साथ फ्लर्टिंग नहीं चलेगी. लग जा. फिर क्या हुआ? बहुत देर घूमने के बाद मम्मी फिर शॉपिंग कर रही है और मम्मी ने 2-3 चीजें ले भी ली. और यहाँ पर ये देखो पापा परेशान होते हुए क्या कहना चाहेंगे? अरे लेडीज के साथ नहीं आना चाहिए. अभी मैं ये पूरे वीडियो में आज यही कह रहा था. ये देखो बैग वैग उठा उठा के पापा खड़े हैं यहाँ पर. ठीक है भाई. हम सताए हुए हैं न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं. यही है वो क्रिमिनल जिसकी वजह से हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं.
और अभी भी इस क्रिमिनल को चैन नहीं है, इसको और शॉपिंग करनी है। ये इतने सारे कपड़े ले लिए, पर खुशी तो अभी भी नहीं हो ना। मैं तो बहुत खुश हूं। अरे रहन दो तुम लोग खुश नहीं हो क्योंकि नहीं, पैसे नहीं, लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, पैसे की बात ही नहीं है, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। हां कह रहे हमारा टाइम खराब कर दिया। ये नहीं कि मम्मी को शॉपिंग कराई, ये देखो यार, मैं ना बहुत ही बड़ा एविडेंट बिलीवर हूं कि मेरे को इंडिया में सब मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर ना मिले। भाई पता नहीं क्यों बाहर ना, क्योंकि भाई जो इंडिया में मिल सकता है वो बाहर बाहर ऐसे क्या चीज बना देंगे जो इंडियंस नहीं बना सकते। मेरे को ऐसा लगता है फैशन के मामले में हम बहुत आगे हैं, हमारे पास सब है। वो तो है, लेकिन एक होता है ना, ये जो इन्होंने लिया है, एक एक चीज इंडिया में मिलती है। मैंने इनको सिर्फ ये बोला, ज़ारा नाम सुना है? ठीक है, लेकिन एक होता ना कि हम चाहे ज़ारा कहीं का ब्रांड हो पर इंडिया में ज़ारा में सब मिलता है, तो फिर भाई ठीक है ना। हम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे और ये लड़का शॉपिंग करते करते थक गया और यहाँ पे ये देखो आराम कर रहा है, मसाज। मैं जिंदगी में दो चीजें बहुत पसंद है, आराम, एक सोना और एक मसाज करना। चाहे मशीन करे। मलन साहब, डू यू वांट मसाज? नो, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, फिट एंड फाइन। भाई जवान है, हमारा बुढ़ापा आ गया। तो गाइस हम भागे भागे हैं, 9 बजे डिनर मिलता है और 9 बजे ही एग्जैक्ट हम पहुंचे हैं और मम्मी यहाँ पर विदाउट एग वाली सारी चीज़ें वेजिटेरियन ढूंढ रहे हैं। और देखना उन्होंने क्या ला के दिया है, ये तो एक्चुअल ऐसा लग रहा है एग ही है और ये बिल्कुल स्पॉन्जी भी है ऐसे। देखो मम्मी, उल्लू तो नहीं बना रहे यार? नहीं नहीं, उल्लू बनते बनते रह गए, वो लेके आए थे ना जो डेजर्ट पुडिंग थी वो, और उन्होंने बोला कि इसमें एग नहीं है, लेकिन मैंने जैसे ही ऐसे करा ना मुझे लगा कि इसमें एग है, और जब हमने कंफर्म करा तो वो सच में एग था।